हाई एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू माई चैनल एट पियालीस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट कुकीज़ एंड चॉको चिप कुकीज़, वो भी एक कॉमन कुकी डो से। तो फिर देखते हैं कैसे बनाना है चॉको चिप कुकीज़। और इसको मैंने प्रेशर कुकर में बनाना भी सिखाया है। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है 1 कप घी, यानी कि क्लरिफाइड बटर, और इसमें डालेंगे 1.5 कप ऑफ शुगर। शक्कर और घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें डालेंगे 2.5 कप ऑफ मैदा। 1/2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा के साथ सीव करके डालेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करके डो बना लेंगे। पूरे कुकी डो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट से ड्राई फ्रूट कुकी बनाएंगे, दूसरे पार्ट से चॉको चिप कुकी बनाएंगे। आधी डो में 1/2 कप डार्क चॉकलेट छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके चॉको चिप कुकी का डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो गई है। अभी इसको एक एयरटाइट कंटेनर में या तो फिर कोई क्लिंग रैप से रैप करके रख देंगे। अभी ड्राई फ्रूट कुकी का डो भी तैयार कर लेंगे। इसमें आमंड और काजू मैंने मिलाया है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी मिलाया है। चॉको चिप कुकी डो में वैनिला एसेंस इसलिए नहीं मिलाया, डार्क चॉकलेट में और चॉको चिप में बहुत ज़्यादा वैनिला एसेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग वैनिला का स्मेल मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता। अभी इसको जो पूरी का छोटे छोटे लोई होता है उस साइज़ का गोल गोल लोई बना के बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे में रखेंगे। मैंने बेकिंग ट्रे को एल्युमिनियम फॉइल से इसलिए कवर किया है, नहीं तो इसके नीचे वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। एल्युमिनियम फॉइल रखने से कुकीज़ का नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा लाल नहीं होता, वो दिखने में अच्छा लगता है। कुकी का लोई तैयार होने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 से 12 मिनट के लिए बेक करने रखना है। कुकी तैयार हो गई है। देखिए इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है और दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको निकालेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया है। कुकी थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी ट्रे से निकालेंगे। इसके पहले निकालने से कुकी टूट सकता है, इसलिए बेक करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही ट्रे से कुकी को निकालना चाहिए। अभी चॉकलेट कुकी बेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कुकी डो के अंदर ढेर सारा चॉको चिप्स मिलाएंगे। चॉको चिप्स मिलाने के बाद इसका छोटे छोटे लोई, जैसे ड्राई फ्रूट कुकीज़ बनाने के टाइम लोई बनाए थे वैसे छोटे छोटे लोई बना के इसको सेम 180 डिग्री में 10-15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो फिर तैयार हो जाएगा चॉको चिप कुकीज़।
चॉको चिप कुकीज़ को मैंने प्रेशर कुकर में भी बेक किया है। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर को अलग से ढक्कन से ढक के गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और चार ऐसे कुकी बना के ऊपर से थोड़ा सा चॉको चिप्स सजा के उसको 10 मिनट्स के लिए बेक किया है। प्रेशर कुकर में बेक करने के समय बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि ये 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। देखिए 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का कुकी तैयार हो गया है। और अभिन का कुकी भी 10 मिनट के बाद तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है दोनों कुकीज़ ही। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती हो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।